₹15 का साड़ी कैसे हो सकता है? And I said 15 or 50, she said 15. I said 15 हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता? तो उनको भी लग रहा होगा, सही है, मुझे भी सेम लगा, आप सही ट्रोल कर रहे हो, मैंने भी ट्रोल किया अपने नानी को. बट हाँ, जब कैलाश्वरी बना रहे थे, वी थॉट इट्स अ स्मॉल फिल्म, जो स्मॉल मतलब बिकॉज बजट का था, एंड ऑल्सो हम लोग बना रहे थे फेस्टिवल फिल्म होने वाली. हाँ, फेस्टिवल, यस यस यस. पर मैं एक्टिंग सेम करती हूँ, अगर हम लोग एक होम वीडियो भी बना रहे हैं, बिल्कुल, या मैं एक ऑडिशन भी कर रही हूँ, या मैं एक ऐड कर रही हूँ, जो बहुत ही मैं बहुत क्लोज फील करती हूँ. एंड आई थिंक जानवरों का ये है ना, वो लोग उनको पता चलता है कि कौन थ्रेट है और कौन नहीं शायद. एंड मैं बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ जानवरों से, वो नेचुरली हो जाता है. मेरे जहन में नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ. आई थिंक आप बहुत नेगेटिव और हॉरिबल हो जाओगे वो रख रख के, वो पका पका के सोच के कि इतना ये था, उसको इतनी आसानी से मिला, मुझे कैसे नहीं मिला, और वो सब ना, तो मैं नहीं रखती हूँ. हाय, मैं हूँ अदा शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. और आज हमारे साथ है हमारी इंडस्ट्री की ब्रिलियंट, फाइनेस्ट एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस. वेलकम अदा, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से हिट्स पे हिट्स दिए आपने, मतलब ऑडियंस का इतना प्यार मिला है, क्योंकि एक कलाकार को यही होता है ना कि काम को सराहना मिले. एंड मैंने एक चीज़ पढ़ी, जब आप केरला स्टोरी जब करने वाली थी, तब आपने कहा था कि बोला था कि इतनी कुछ बड़ी ऐसी कुछ फिल्म नहीं होने वाली, आई थिंक उसके बारे में जानना चाहूँगी. पर उसके बाद भी पूरी लगन से अपने काम को 100% देना, आई थिंक वही चीज़ है जो प्यार मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन सुन के. आई थिंक वही एक आर्टिस्ट वही चाहता है कि लोग ये करें. बट हाँ, जब कैलाश्वरी बना रहे थे, वी थॉट इट्स अ स्मॉल फिल्म, जो स्मॉल मतलब बिकॉज बजट का था, एंड ऑल्सो हम लोग बना रहे थे फेस्टिवल फिल्म होने वाली. हाँ, फेस्टिवल, यस यस यस. पर मैं एक्टिंग सेम करती हूँ, अगर हम लोग एक होम वीडियो भी बना रहे हैं, बिल्कुल, या मैं एक ऑडिशन भी कर रही हूँ, या मैं एक ऐड कर रही हूँ, या म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ, मैं अपने एक्टिंग में सेम, मैं वही लगन से करती हूँ. चाहे वो अभी किसको पता था कि वो 300 करोड़ से ज़्यादा ऐसे होगा, वी डिडंट नो, पर मैं सेम एक्टिंग करूँगी. अगर 2 लोग भी देख रहे हैं मूवी, या अगर 2 लाख लोग, या अगर 2 मिलियन या 2000 मिलियन, मैं सेम करूँगी. तो हाँ, मैं वो चेंज नहीं करती. ग्रेट. एंड रिसेंटली सनफ्लावर को भी प्यार मिला ऑडियंस का. एंड आई रेड की सुनील ग्रोवर, जो कि मतलब कॉमेडी के बादशाह है, किंग है, उन्होंने भी आपकी सराहना की. क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद हिम? नो, ही सो स्वीट एंड सो काइंड ऑफ हिम टू से सच नाइस थिंग्स. मैंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज वो बहुत बहुत टैलेंटेड कलाकार है. एंड सिर्फ कॉमेडी में नहीं, आई थिंक वो कोई भी जॉनर बहुत अच्छे से करते हैं. कॉमेडी में भी उनका स्टाइल, अलग अलग कॉमेडीज कर सकते हैं, फिजिकल कॉमेडी, वर्बल कॉमेडी, वो सब में बहुत मशहूर है. मशहूर गुलाटी भी है उनका. क्या बात है. और नहीं, आई कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम मीन्स अ लॉट टू मी. आई एम हैप्पी मैं पहली बार कॉमेडी कर रही हूँ और उनके साथ करने का मौका मिला. तो आई रियली कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट. ओके. एंड बस्सर को लेकर क्या कहना चाहेंगी? उसमें भी एक अलग अंदाज नज़र आया आपका. जी, आई एम ट्राइंग विथ ईच कैरेक्टर. एंड मैं लकी हूँ कि अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं मुझे, जहाँ पे हम लोग ये सब कर सकते हैं. वो बहुत ही ऑफकोर्स हार्ड हिटिंग रोल था, एंड आई एम हैप्पी मुझे मिला करने. तो और लोगों ने जितनी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बस्तर के लिए दिया है, आई थिंक कोई फिल्म के लिए मुझे अभी तक लोगों ने नहीं दिया. बिकॉज वो ऑल्सो वो कैरेक्टर जैसे लिखा गया, वो मोनोलॉग्स, जो डायलॉग्स, जो वो सब. बट आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट सेलेक्टेड टू प्ले नीरजा माधव. ओके. एंड और क्या कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है जो ऑडियंस आपको और भी अलग अंदाज में ज़रूर फैंस देखना चाहते हैं? जी, बहुत कुछ. पिछले अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, एंड मेरा कैलाश्वरी थिएटर में रिलीज़ हुआ, फिर कमांडो OTT पे, yes, हाँ. फिर कैलाश्वरी OTT पे फाइनली, फिर इतने वक्त बाद रियली लोग मुझे, मैं मिल रही हूँ लोगों से और वो पूछते थे कैलाश्वरी कब आ रही है, देन दे से हाय हाउ आर यू, पर पहले कैलाश्वरी कब रिलीज़ हो रही है. अब मेरे लिए बस्तर के लिए लोग, बस्तर का भी आ रही है OTT पे, आई एम सेइंग मुझे नहीं पता, मेरे पास वो जवाब नहीं है. आई होप बस्तर भी अब जल्दी आ जाए, बिना कोई बैन, बिना कोई टेंशन, बिना कोई स्ट्रेस से पीसफुली जल्द आ जाए. मेरे हाथ में नहीं है, बट आई होप कि आ जाए और आप लोग सब देखें. बट हाँ, इट्स बिन अ बिजी ईयर. आई थिंक फ्यूचर में आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स, नॉट जस्ट एक्ट. आई फील मुझे यू नो लोगों के लिए अपना फेम यूज़ करके भी
इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हाथियों से, हाथियों के साथ कुछ कर रहे हैं, अब्यूज एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल से मैं जुड़ी हूँ, टॉल्फा जी, जो अजमेर में है, एंड वो अबैंडनड ऑल एनिमल्स, कैमल्स, डॉग्स, हाथी, गाय, डोंकीज, कुत्ते, बिल्ली, सब के लिए काम कर रहे हैं. तो आई वांट टू डू दैट ऑल्सो एंड मूवीज ऑल्सो ऑफकोर्स. तो बहुत सारी चीज़ें करनी है. बिल्कुल. एंड जिस तरह से आपने कहा एलिफेंट का जिक्र किया, तो मैं वीडियो की बात कैसे ना करूं. मतलब आपने तो अफेक्शन दिया है, लेकिन उनका भी अफेक्शन, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने वक्त से दोस्ती है. हाँ, मुझे एक कनेक्शन फील होता है जानवरों से, जो बहुत ही मैं बहुत क्लोज फील करती हूँ. एंड आई थिंक जानवरों का ये है ना, वो लोग उनको पता चलता है कि कौन थ्रेट है और कौन नहीं शायद. एंड मैं बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ जानवरों से, वो नेचुरली हो जाता है. पर हाँ, हाथियों से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हाथी. एंड आई थिंक ऑडियंस को, जनता को भी आपसे बहुत प्यार है इसके लिए, इतना प्यार. लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आता है जब आपको लोग पहचानते हैं, जब आप उस तरह की कुछ हिट चीज़ें कर हो जाती है, देते हैं, जो फैक्ट है इंडस्ट्री का आधा. लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं रहा होगा. क्या कुछ चीज़ें आपने भी फेस की, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग? द थिंग इज़ कि जब आप किसी मकसद पर पहुँच जाते हो, जो आप हासिल करते हो, जो भी आप ना एज ए ह्यूमन ओनली आप भूल जाते हो कि जो भी मुश्किल वक्त था वो. आई थिंक ह्यूमन माइंड का ये है, इसलिए लोग जब भी प्रेग्नेंट हो के इतना पेन से है कि दे डू अ डिलीवरी, कभी दे से आई नॉट हैव एनी मोर चिल्ड्रन, एंड वापस दो साल के बाद. आई थिंक दैट्स अ ह्यूमन माइंड. तो मैं भी वैसे हूँ, मैं मुश्किलें जो कठिन वक्त, बट आसान तो नहीं रहा होगा. आसान बिल्कुल नहीं था, नॉट दैट आसान था, बट समहाउ नाउ आई फॉरगॉटन ऑल द नेगेटिव्स, दे सीम लाइक वो काउंटेड ही नहीं है. एंड आई रिमेंबर ओनली द मोस्टली ओनली द पॉजिटिव्स, आई डोंट रियली रिमेंबर द नेगेटिव्स. ऑफकोर्स देर वर डाउन्स एंड सिर्फ अप्स नहीं है, बहुत ही डाउन्स हुए हैं, पर मैं याद एक्चुअली इतना मेरे जहन में नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ. आई थिंक आप बहुत नेगेटिव और हॉरेबल हो जाओगे वो रख रख के, वो पका पका के सोच के कि इतना ये था, उसको इतनी आसानी से मिला, मुझे कैसे नहीं मिला, और वो सब ना. तो मैं नहीं रखती हूँ वो चीज़ें, तो रखनी भी नहीं चाहिए. दैट्स ट्रू. आई फील वी शुड जस्ट बी ग्रेटफुल कि इतना सब कुछ मिला है. इवन कैलाश अग्रवाल कैसे मिला, मुझे कैसे मिला, वो सोच के फिर आप आगे बढ़ो कि वाह, आई वाज सो लकी कि मुझे मिला ये, माई गॉड, बस्तर जैसी मुझे मिली, सनफ्लावर ऐसे रोल उन्होंने मुझे चुना, मैं वैसे सोचती हूँ. तो फिर आप चिल्ड आउट होके खुश रह सकते हो. ओके. एंड क्वेश्चन था कि मराठी इतनी अच्छी कैसी अदा, कि हम यूट्यूब पे हम देख रहे थे. हाँ, मेरे स्कूल में था मराठी, वॉज कंपल्सरी एज अ सब्जेक्ट. एक लैंग्वेज था जो आपको पिक करना था. एंड मेरे डाटा उनको एक लैंग्वेज था जो पिक करना था. तो माई डैड सेड फ्रेंच और मराठी का चॉइस था. ओके. मेरे डैड ने कहा कि आप भारत में रहते हो तो चूज एन इंडियन लैंग्वेज, डोंट चूज फ्रेंच. सो आई चोज मराठी. तो इसलिए मराठी, और मेरी टीम पूरी मोस्टली महाराष्ट्रंस है मेरी टीम में. सो इसलिए हम लोग महाराष्ट्र में है एक्चुअली, तो सब लोग एनी वे मराठी, एवरी वन इज स्पीकिंग मराठी. घर पे भी हमारी जो मावशी है वो मराठी बोलती है, तो इसलिए एक्सेंट तो मस्त पकड़ा है. थैंक यू. वेल, ट्रोलिंग्स तो हर मतलब इंडस्ट्री का एक अलग ही पार्ट है. आप उन चीज़ों को कैसे देखती है? रिसेंटली मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लाइक आपने साड़ी डाली कि इट्स फॉर 15 रुपीज़, तो लोगों ने उस ट्रोल हो गई उसमें. हाँ जी, से कुछ बात देखा नहीं. हाँ, क्या प्रॉब्लम है अभी कि नानी की साड़ी है उसमें भी प्रॉब्लम है अभी मैंने साड़ी पहनी नहीं. क्या क्या बोल रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता क्या, बिकॉज मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, मैंने रियली नहीं. क्या प्रॉब्लम है लोगों को कि मैंने साड़ी पहनी? सच में है और झूठा है, लाइक दैट. मुझे भी लगा कौन 15 रुपीज का साड़ी कैसे हो सकता है, and I said 15 or 50, she said 15, I said 15 हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता. तो उनको भी लग रहा होगा सही है, मुझे भी सेम लगा आप सही ट्रोल कर रहे हो, मैंने भी ट्रोल किया अपने नानी को. वेल अदर, आई थिंक यू आर अ ट्रेंड सेटर. नहीं लगता आपको, लाइक जिस तरह से फैशन को आप अपने हिसाब से जो एग्जीक्यूट करते हो, लाइक साड़ीज एंड ऑल, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? या आई थिंक आप जो आपको अच्छा लगे, आप कंफर्टेबल हो और आप पहन लो, वो ट्रेंड बन जाता है तो अच्छा है. पर ट्रेंड्स का क्या है ना, जो आज ट्रेंड है वो कल ट्रेंडिंग नहीं होगा, जो कल ट्रेंड है वो परसों यू नो फैशन क्रिटिक्स कहेंगे कि या ये कैसा पहना, गलत है.
तो आई थिंक आप मज़े करो फैशन के साथ, बिकॉज फैशन एक ऐसी चीज़ है जो एंजॉय करनी चाहिए आपको, आपको जो सही लगे, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो खुशी दे तो वो कर लो, चाहे वो 15 रुपये की साड़ी हो या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आई थिंक। तो मैं वही करती हूँ, अगर वो ट्रेंड बनता है तो सो नाइस, सब लोग अपनी नानी की साड़ी पहन लो, बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा सस्टेनेबल होगा, तो आप नए नए साड़ीज़ खरीदोगे नहीं, जो ऑलरेडी है हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। एनीवे हमारे प्लानट को हम लोग इतना अब्यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारी तरफ से अगर हम सस्टेनेबिलिटी में ये कर सकते तो बढ़िया ही है। ग्रेट, वेल, व्हाट डू यू टू से टू योर फैंस, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कुछ, बट इन शॉर्ट जस्ट थैंक यू, एंड थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए मुझे, रियल अदा को भी और मेरे जो कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले करती हूँ उनको भी, एंड आई होप मैं ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स और भी कर पाऊँ आपके लिए। थैंक यू जिनको सनफ्लावर और केरला चोरी और बस्तर और कमांडो सब इतनी पसंद आई, जिनको पसंद नहीं आई आई होप मैं नेक्स्ट जो कर रही हूँ वो पसंद आए। थैंक यू सो मच अदा। थैंक यू। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।